और पढ़ाई का एक सिंपल सा रूल्स है, जब भी कोई कंटेंट 4 बार, 3 से 4 बार तक नजरों से नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। एक बार पढ़ के या परीक्षा देने जाना, परीक्षा में प्रश्न ऐसे लगेगा जैसे कुछ पढ़ा हुआ सा है, घर जाके देखोगे उसकी अंडरलाइन भी की हुई है लेकिन आपको वहां पर याद नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही पढ़ा था। 4 किताबें लाओगे तो आप 4 किताबों को 4-4 बार नहीं पढ़ पाओगे। तो भरोसा करके हर पार्ट का मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक किताब पास में रखना, कौन क्या पढ़ रहा उसकी चॉइस है, आप अपनी पसंद पे रहिए, आपने जो कंटेंट लिया उस पे रखिए। और मार्केट में ऐसे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं होगा, किताबों की लाइब्रेरी बना सकने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना।